राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दी बधाई और शुभकामनाएं। श्रम संस्कृति के सम्मान से राष्ट्र के नवनिर्माण का किया आह्वान। विधानसभा मुख्य सचेतक ने प्रदेश में गर्मी को देखते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र। आदर्श आचार संहिता में छूट दिए जाने का किया आग्रह। बालोतरा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया पीएचडी कार्यालय का औचक निरीक्षण। पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए आदेश। राजस्थान से 1700 से अधिक अग्निवीर अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए रेजिमेंटल सेंटर्स रवाना। कल से शुरू होगा उम्मीदवारों का प्रशिक्षण। बालोतरा में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ली विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। समस्त योजनाओं पर विस्तृत चर्चा कर कार्मिकों को दिए निर्देश। उदयपुर में एमपीयूएटी द्वारा गोद लिए गांव मदार और ब्राह्मणों की हुंदर ने जीता स्मार्ट विलेज का खिताब। प्रदेश ने प्राप्त किया पहला स्थान। श्रीगंगानगर में समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद के संबंध में जिला कलेक्टर ने ली बैठक। खरीद के साथ उठाव व्यवस्था को भी सुचारू बनाने के दिए निर्देश। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने राजकीय जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। वार्डों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रेल यात्री अब घर बैठे बुक कर सकते हैं जर्नल और प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हटाई टिकट बुकिंग की आउटर लिमिट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की श्रीगंगानगर टीम ने अनूपगढ़ में की कार्रवाई। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। कोटकी विज्ञान नगर थाना पुलिस की टीम ने डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है एक अन्य अभियुक्त की तलाश। बाड़मेर में थाना गुड़ा मालानी पुलिस ने की कार्रवाई। 29 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्ट तस्करी में वांछित इनामी आरोपी गिरफ्तार। 7 साल से था फरार। चूरू में थाना भालेरी और साइबर सेल ने की कार्रवाई। दो अलग अलग मामलों में साइबर ठगी की कुल रकम 8,25,000 रुपए की ये रिफंड। उदयपुर की रागवी पोरवाल ने निशानेबाजी में जीता रजत पदक। बीकानेर में आयोजित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। और खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में बीकानेर रेल मंडल की मोनिका जाट ने जीता स्वर्ण पदक। हरियाणा में हो रहा है प्रतियोगिता का आयोजन।